इस कार्यक्रम के प्रायोजक है MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर MET इंटरनेशनल स्कूल नया रायपुर प्रस्तुत करते हैं NH वॉकथन 2019। दिनांक 28 सितंबर 2019 दिन शनिवार, स्थान आनंद नगर स्क्वायर मरीन ड्राइव के पास तेलीबांधा रायपुर। हाथ पसारे कुछ नहीं मिले, मेहनत करगा भैया भैया गा भैया, सब सपना साकार यहाँ हो ही ते सुन ले। बिल्कुल जागे रावण हरि सागे का के रावण हरि सागे, ये साले रावण हर ठाउ। छत्तीसगढ़ी के जय जोहार चैनल के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा आप जम्मो संगवारी मल्ला, आज मैं हमर खास पहुना से मुलाकात करवाऊँ। और वो हमर खास पहुना है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजय बत्रा जी, जिखर मन के पहुँच थिएटर ले लेके बम्बई के फिल्म ले लेके जिन अभी हमर वर्तमान में जतका छत्तीसगढ़ी फिल्म बना था वे बढ़िया बढ़िया छत्तीसगढ़ी फिल्म बना था वे हर जगह संजय बत्रा जी के योगदान हावे। तो सबले पहली संजय भैया आपके हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय जोहार। जय जोहार संगवारी हो, आप मल्ला भी जय जोहार। ये भाई साहब के बड़प्पन है जो अतका कुछ मोर बारे में बोला थे, और मोर बड़ी खुशी की बात है कि आप अतका सम्मान दे के मुला यहाँ बैठाए हो और मोर संग कुछ सार्थक मुद्दा में चर्चा करो, इस उम्मीद के साथ अग्रिम धन्यवाद देवत हूँ। और आप सब मन संगवारी मल्ला जय जोहार बोला था भैया। एक बड़े नाम बन चुके हैं संजय बत्रा जी, पब्लिक कहते थे मैं नहीं कहा था जी। संजय बत्रा ऐसने बड़े नाम नहीं बने, संजय बत्रा जिन आज मुकाम में पहुँचे हैं ओकर पाछू मैं समझता हूँ बहुत संघर्ष है, तो वो सब चर्चा हम सर लगा करवो। पहले ये बताओ कि आप बचपन ले आपके भीतर कलाकारी हवे? देख भाई, हमन छत्तीसगढ़ी आदमी हन, अढ़ा हन, ठेठ हन, जिन यहाँ है तेन यहाँ है, वही चीज यहाँ पे। सच बात बोलूं कि मैं जोन परिवार में पैदा हुए हूँ वो परिवार के कलाकारी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, बिल्कुल रिश्ता नहीं है। तो मोर मन में बचपन से कलाकारी के चाह रहीस, प्रेरणा रहीस या कुछ करना रहीस, ऐसे कोई बात नहीं। अतका जरूर है कि फाफाडी में पैदा हुए हों, भले बड़े हों, तो खमतराई में मानस मंडली के भजन चले कहीं दूर से, पुराना चुंगम रात की आवाज आए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर कुछ दिन बाद तालाब किनारे दुर्गा में गणेश में नाचा हुए तो ओकर आवाज आए, तो आवाज मुला बड़ा प्रभावित करें। तो मैं का सोचत रहे हूँ ये कौन है, का है, कैसे? भजन मंडली में जिन गाना गात रही तिला जाना था कि मंदिर में गाते, पर गाहे बगाहे रात के प्रोग्राम होते वो रात भर चलते हैं, जे मैं जोकर मन की आवाज़ गलो आत रही, नचनिया मन के आई ये सब भी, और एक से सुंदर सुंदर गाना जिन आकाशवाणी में बजत रही सो टाइम वो भी वहाँ से आत रही। तो मैं लालायित हुए हूँ, अब गर्मी के दिन है, रात में बैठे हैं फाफाड़ी में लुंगी उंगी, वो टाइम बहुत चलत रही लुंगी पहले मोहल्लम बैठे रहे, तो चल दिन खमतराई देखे बार, और वहाँ 2 रुपया फलानक नाम से अनाउंसमेंट होते, नचनिया जाग दौड़ के 2 रुपया झोंका थे, फिर उनका नाम अनाउंसमेंट करा थे, फिर शान से कोई 5 रुपया देवा थे, चला थे रात भर महू देखाता हूँ। तो वो चीज़ मोला बड़ा प्रभावित करीस, फिर मोर दिमाग में का ख्याल आईस कि ये मन दूसर दुनिया के मन के माने, हमन दूसर दुनिया के मन के माने, ये कल्पना के आदमी मन है, मन कोई और है। एक दो साल तक मोर दिमाग में ही बात रही कि ये मन कोई और है, हमन आम आदमी हन। फिर ऐसने एक दिन इनकम टैक्स ऑफिस में रंगमंच दिवस के दिन वहाँ नाटक हो रही, जहाज फूट गया है, तब मैं कॉलेज ले आता वहाँ स्टेडियम में
हॉकी मैच देखे भर गए रहे, तो वहाँ पाछू डहार जहाँ मन देखत रहे पाछू डहार नाटक चलत रहे, इनकम टैक्स ऑफिस रही सुभाष स्टेडियम के पीछे, तो वहाँ निकल को नाटक देखे भर चले गए। तो वो नाटक में देखे हो तो एक जन ईरानी टूरा नाटक कर रहे थे बढ़िया, और वो टूरल में बाबूलाल टाकीज बाहर चश्मा बेचत देखे हूँ। अच्छा, वो नाम रही श्री निसार अली, आज हमार सम्माननीय शख्सियत है निसार भाई। मूला क्लिक करी से आ रहे तो वहाँ चश्मा बेचते, वो नाटक कर रहे थे, मतलब एमन दूसर दुनिया का आदमी नहीं है, हमार बीच के है। तब मूला लगी इसकी महू कर सकता हूँ यार, वहाँ ले सीधा होकर कर पहुँच गया भाई कि मूला नाटक करना है, कलाकारी करना है। बोले कर लोगे, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं कर लूँगा। मैं बोला ठीक है, कल शाम को शांति नगर स्कूल आ जाओ, मिर्ज़ा मसूद हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे हम मिलवा देते हैं, लेकिन सोच लो तुम जिस घर के हो वहाँ पे पसंद करेंगे कि नहीं, तुमको घर से भगा तो नहीं देंगे। मैंने कहा वो सब मेरी जवाबदारी। मैं साइकिल लेकर वहाँ पहुँच गया हूँ और झोंक डा रहे हूँ अपन आपला। यहाँ से फिर थिएटर की शुरुआत हो गई। जी, यहाँ से थिएटर की शुरुआत, थिएटर की शुरुआत हो। इस कतिक थिएटर करे हो आप, कतिक नाटक में काम करे हो? ने लगभग का अनुभव रही वो नाटक मन के? हाँ, अब मोर का मन स्थिति ऐसे रही कि मैं ये फील्ड के नो हूँ, कहीं के बहुत कॉम्प्लेक्स में और दबाव में रहे हूँ, और सब झलना देखा कि ये जानकार आदमी है, ये सालों से कर रहे थे, ये पैदाइशी कलाकार है, ये फलाना घराना के, तब मोर में बहुत कॉम्प्लेक्स रहीस। तब मूला जो जिस गति से उठना रहीस वो गति से नहीं उठे हूँ, अपन स्वाभाविक प्रवृत्ति की वजह से मैं इंट्रोवर्ट्स हूँ कहीं के, लेकिन फिर धीरे धीरे जब नाटक करना शुरू करे तो छोटा छोटा रोल मिलीस, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर मेन रोल, ऐसे कर करके मूला ग्रेजुअली मिलीस, जो मोर बार फायदेमंद रहीस कि थिएटर में जाते ही साथ मूला बड़ा ब्रेक नहीं मिलीस, पहले छोटा दो डायलॉग के रोल, फिर चार डायलॉग के रोल, और फिर बाद में बड़ा बड़ा रोल मिली। तो ये जो अनुभव है, मिर्ज़ा मसूद साहब, राजकमल नायक, जलील रिजवी, प्रदीप पोद्दार, दिनेश दीक्षित, ये पांच डायरेक्टर ऐसे रहीस जेकर अलग अलग मिजाज रहीस थिएटर करे के। सब जन थिएटर करत रहीन पर ओमन के मिजाज अलग अलग रहीस, तो वो मिजाज की वजह से ना मोर ग्रोथ ना बहुत जल्दी हुई, और मैं पाँचों के साथ काम करत रहे। तब वो अनुभव मोर ख्याल से मैं 10-12 नाटक करे हूँ, अच्छा बड़ा नाटक, कबीरा खड़ा बाजार में, और नसीर मुल्ला नसीरुद्दीन, तलछट, बहुत सारा नाटक करे हूँ। एक नाटक जो मूला याद है, जो आपला बताया हूँ कि पहली गांव में जब इनकम टैक्स ऑफिस में एक नाटक देखे रहे हूँ, जहाज फूट गया है, जहाज नुक्कड़ नाटक, जरा देख के मैं इंस्पायर हुए रहे हूँ। तो जब मैं गे रहे हूँ तो दीपक ताम्रकार ओमा एक रोल करत रहीस, ओकर नौकरी लगी नवा नवा, तो नौकरी बहुत बड़ा बात है, बेचारा थिएटर हो गए चल दी। तो वो जो तैयार नाटक रहीस उमा दीपक के रोल करे पर मोला इमन बोलिन, तब मैं पांचों जन पहली तैयार रहीस, मैं उमा इन्वॉल्व हुए हूँ। वो जहाज फूट गया नाटक के हमन तकरीबन ना मैं कम से कम 522 शो करे हूँ, 522 मैं करे हूँ ओवरऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, ओकर बाद वो ओकर गिनती 700 तक गए। अच्छा, तो वो हमर भर माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में ओला करे हैं, रायपुर की हर नुक्कड़ में, हर फैक्ट्री के बाहर ओला हमन करे हैं। आप भैया थिएटर के नाम से पूरा भारत घूमे हो जी, अलग अलग क्षेत्र घूमे हो, अलग अलग प्रदेश घूमे हो जी, वहाँ जो लोक कला साहित्य संस्कृति आप मन देखे हो जी, एक कलाकार हो एक नाते थोड़ा अध्ययन घलो करे हो जी, का अनुभव होते बाहर के कलाकार मन सन घलो आप मेल मुलाकात करे हो, संस्कृति दिखे हो? मुला कई घाव ना कोफ्त होते और कुंठा आते, आक्रोश भी होते मुला, साहित्य के मामले में, संगीत के मामले में, और जो दृश्य श्राव्य की अलग अलग विधाएं है, वो सब मामला में हमार छत्तीसगढ़ अतका संपन्न है, अतका संपन्न है कि दूसर स्टेट वाले मन कहीं ना कहीं कमजोर लगते, जिन नजरिया से मैं देखता हूँ। ये बात अलग है, वो लाइमलाइट में है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये बात अलग है भाई। पहाड़ी संगीत हिट हो गए लाइमलाइट में आ गए, राजस्थान के लोक संगीत हिट हो गए लाइमलाइट में आ गए, पंजाब के लोक संगीत, गुजरात के लोक संगीत हिट हो गए लाइमलाइट में आ गए, पर जो राजस्थान की खासियत है वो पंजाब में नहीं है, जिन पंजाब की खासियत वो पहाड़ी में नहीं है, पर हमारे यहाँ पूरा संगीत ला उठा के देखो तो यहाँ पहाड़ी के पुट मिलते, राजस्थान के भी पुट मिलते और पंजाब के भी पुट मिलते। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन बोलते ना कि वो इलाका तरक्की जल्दी होते जहाँ आवागमन के साधन हो, जहाँ पानी हो,
जहाँ मजदूरी लेबर हो वो जल्दी तरक्की होते, पर हमारे शायद बदकिस्मती है कि हम शायद मेन ट्रैक में नहीं रहेंगे, कटे कटे हैं। जगदलपुर के बस्तर के विकास से स्थिति नहीं हुई इसकी, कटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इंदौर मुंबई नहीं बन पाई इस काबर की कटे हैं, मेन रूट में नहीं है। तो ये हमारी विसंगति है, लेकिन संभावना और टैलेंट अपार है, बोला दिशा नहीं मिली, बोला लेके कोई वहां तक नहीं गई और वहां वाले मन यहाँ देखिन नहीं। और अब मोला दुख इस बात ये बात के है कि यहाँ माहौल परिवेश बदल के, आप 80 के 90 के 2000 के दशक देखो ना, चारों तरफ संगोष्ठी, संगीत कार्यक्रम, लोक कला कार्यक्रम, नाटक, लेखन, कविता मंचन, कविता किताब का विमोचन, काका चलत रही। हाँ, हाँ। आजकल तो कुकुर मुत्ता बरोबर जगह जगह वो छोटा छोटा सम्मान 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 बिल्कुल, 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 सही बात है, एकदम सही बोले। तो ये काम काम सम्मान ज्यादा हुआ थे, सम्मान कलाकार मन के नहीं। हाँ, हाँ। हर गली नुक्कड़ में कुकुर मुत्ता हुआ थे आजकल, जिला देखो तेन सफेद कपड़ा पहन के कुकुर मुत्ता बरोबर जागा थे, समाज सेवा के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे ना मेवा खाते। तो कहा होते जनरेशन जब बड़ा होते ना तो जो चीज अट्रैक्ट करते प्रभावित करते वही तरफ ज्यादा भागते, एमा काकरो कसूर नहीं है। और मोला कोई विरोधाभास नहीं है, मैं काकरो अपमान नहीं करत हूँ, जिन मन करत है वो भी अच्छा काम करत है, ओमा गुण है तभी वो करत है, पर ओवरऑल जो जनरेशन है वो मन देखा था कि यार ए मन के क्लेवर अलग है, मतलब एक तरह से एक एक जो एक आदर्श जो चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आज के पीढ़ी ला जो दिखना चाहिए। हाँ। जो श्रेष्ठ है, आज से आप जो 80 के दशक के बात करते हो, 90 के दशक बात करते हो, वो समय जो हमला दिखा रही वो अभी की पीढ़ी नहीं दिखा थे, ये बात है। हाँ, हमला का दिखा रही, अरे यार फलाना का नाटक करते यार, मोर भी इच्छा हुई, गिरीश पंकज जी की कविता क्या होती है यार, रमेश नैयर जी के लेख क्या होते हैं, हरिशंकर परसाई का लिखते यार, ऐसे ग्रोथ हुई। अब कहा लगते यार फलाने पार्षद की क्या चलती है, उस दिन फोन कर रहे तो दो मिनट में आरडीए काम करा दी से यार, कमाल है यार। तो वो इंस्पायर कहाँ हुआ थे, फलाने टाइप के। तो वो माहौल बन गए, जेकर बार नवा जनरेशन है ना वहाँ आकर्षित होते, तो ये ना उपेक्षित हो गए, कम हो गए, और कला लाना दरबारी बना दे कुछ मन के मन, जैसे पहले के जमाने में कलाकार मन दरबार के रही, पर बीच में एक दौर आई इसकी स्वाभिमान के दौर, स्वाभिमान के दौर विचारधारक कलाकारी रही, अभी वापस में मैं देखा तो दरबारी हो गया, पर उमन की भी मजबूरी है, कलाकारी के अलावा उमन ला कुछ आए नहीं, पेट भरे भर कलाकारी ही करना है, अब पेट भरे भर कलाकारी करना है तो कलाकारी का मौका नहीं मिली, कहां से पेट भरी, तो मौका भर बेचारा मन दरबार में जाते, जो कि स्थिति ठीक नहीं है, दोनों पक्ष ला सोचल पड़ी, और ये जो संगठन एसोसिएशन बनते एमन ला भी थोड़ा जागरूक होल पड़ी कि स्वाभिमान भी जिंदा रहे, कला भी जिंदा रहे और दरबार भी जिंदा रहे। थिएटर से हमार बात हुई, थिएटर में आप काफी दिन तक जियो, बहुत जियो जी, आकाशवाणी के साथ आपके बड़ा गहरा लगाव रही। हाँ भाई, आकाशवाणी के साथ मैं बताऊँ, हमारे मन की आदत होते कहीं जाथन तब मंदिर दिखते गुरुद्वारा दिखते था ऐसे करता, जात जात गाड़ी में जाते रहे, साइकिल में जाते, पैदल भी जाते रहे, तो ऐसे करके करता। मोर साथ में अच्छा बात है कि मैं आकाशवाणी जब भी गुजरता हूँ तो मन के मन काली मंदिर लाइसे करते, जात जात में आकाशवाणी लाइसे करता हूँ। भैया आपके सामने जो आप मन सन गुड़ बात करत ना, वो आकाशवाणी के लेकर हरे, और आपके युवानी करियर लंबा समय तक रहे, महू युवानी से आया हूँ, तो वो जो भावना आप बोला था बिल्कुल, मतलब संवेदनात्मक रूप से वाकई वो जुड़ाव है आकाशवाणी से, तो वहाँ से जिन आप प्रोग्राम के आपके जो दौर शुरू हुई उकर अनुभव बारे में बताओ, काफ़ी कंपेयरिंग लिखे हो है ना, लाइव प्रोग्राम करे हो, और वो समय तो एक युवानी के जो क्रेज रही हिसाब है, और युवानी के जो कंपेयर के क्रेज रही हिसाब है, आकाशवाणी के जो अनाउंसर के क्रेज रही हिसाब है, वो स्टारडम जिए हो आप उस समय आकाशवाणी के, ये तो मैं अनुभव करा था उकर बारे में थोड़ा सा ना, काबर की हमारे ना मैं बता दूं ये प्रोग्राम ना हमारे रेडियो श्रोता मन घरों देखा था भाई ऐसे का, तो वो हिसाब से थोड़ा से आकाशवाणी के जो आपके जो सफर हो है ओकरो बारे में थोड़ा गोठियात है। आप तो तें बताया इसकी कि भाई तें मोरले जूनियरस होते हैं, वो डिपार्टमेंट से निकले, जहाँ से मैं निकले हूँ तब वो खुल के बात हुई। हाँ, हाँ। आकाशवाणी लेके आप तें बोला था कि वो स्टार डमला में जिए हूँ, तो सच बात है कि मैं वो स्टार डमला नहीं जिए हूँ, आकाशवाणी के स्टार डमला देखे हूँ, मैं छोटा रहा हूँ ना, बिल्कुल जूनियर रहा, चला, हाँ, हाँ। मैं उतना पॉपुलर नहीं रहा हूँ, लेकिन कमल शर्मा, हाँ। कल्पना यादव, किशन गंगेले,
लाल राम कुमार सिंह, मिर्जा मसूद। मैं देखा हूँ मनखे मन आकाशवाणी गेट के बाहर कई कई देर तक खड़े रहे कि अब निकल ही देख के जाना है। और मैं पोस्ट कार्ड के ऐसे थप्पी देखा। हाँ, बिल्कुल थप्पी। नोट बरबर रहा है पूरा ओला, नोट बरबर संभाल के रखे गल ओला। हाँ ओला संभाल के रखें घलो, डिवाइड करन का कर कहाँ कहाँ के कैसे फिर होकर हिसाब से करन। तब वो स्टारडम जो मन के रहीस ना, कमल शर्मा कैसे दिखत हुई बोल के ना, मन के मन पान दुकान में आग पूछे बताओ कमल शर्मा कितने बजे आते चाय पीने के लिए, या लाल राम कुमार सिंह कौन सी गाड़ी में जाते हैं। तो उनका स्टारडम मैंने देखा है उस वक्त, तो बड़ी खुशी होती थी कि काश के हम ऐसे बन पाए। पर हमारी औकात और विसाद नहीं थी कि हम उनके पास तक भी पहुंच पाते, पर उनका मार्गदर्शन हमको मिला, और मार्गदर्शन ऐसा मिला कि हमने सामाजिक पहलू के दृष्टिकोण से अगर अमन देखबो, मैं हिंदी बोल पा रहे हो, नहीं चलते भैया, हिंदी राष्ट्रभाषा है हमार। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो समाज के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो समाज की जो व्यापकता है वो मुझे आकाशवाणी से सीखने मिली। जैसे मैं विस्तार से बता सकता हूँ, बिल्कुल बोलो। जैसे मिर्जा साहब का अनाउंसमेंट का एक तरीका था, तो वो तरीका उनके स्वभाव की वजह से आया होगा। सिंह साहब का अनाउंसमेंट और प्रेजेंटेशन का एक तरीका था, जाहिर सी बात है वो भी उनके स्वभाव से ही पैदा हुआ होगा। और कमल शर्मा का एक अपना तरीका था, तो मैंने वो तीन शख्सियतों के आउटपुट को देख करके उनके अंदर तक जाने की कोशिश की। तो मुझे समाज का जो स्वरूप है और समाज के जो प्राणी हैं, जो समाज को बनाते हैं, उसके दायरे को समझने का मौका मिला। कि कम या छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी बराबर हैं, पर तीनों के रंग देखो कितने अलग अलग हैं। पहले क्या होता था कि समाज में मुझे लगता था कि यार ये आदमी तो बेवकूफ है, हंसी मजाक की बात करता है, अवॉइड करो यार, ये आदमी तो स्वार्थी है। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सारे रंगों से दुनिया बनी है, समाज बनता है। तो वो व्यापक दृष्टिकोण मुझे वहां से मिला, जिसके तहत मैंने सोचा कि जब तक किसी दूसरे का कोई नुकसान न करे, तब तक उस आदमी का व्यक्तित्व वैसा रहना ही चाहिए, तभी वो सबसे अलग होगा। बिल्कुल तभी ये समाज का रंग है। तो समाज की जो व्यापकता और स्वरूप है, उसको समझने के लिए आकाशवाणी ने मुझे बहुत हेल्प की, व्यक्तिगत तौर पे भी और काम के लिहाज से भी। और जो संगीत की थोड़ी बहुत समझ हुई मुझे, वो वहाँ पे गाने बजा बजा के हुई, और थोड़ा सिर्फ दूसरे के पढ़े हुए डायलॉग बोल के नाटक करने के बजाय खुद लिख के खुद प्रेजेंट करने की एक आदत और सीख भी मुझे एक राइटर भी आपके भीतर वहाँ से पैदा हुई मिला मुझे। एक चीज़ और है भैया जी, आकाशवाणी के दौर में प्रोग्राम चलत रही से, इस समय ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी बहुत करे वहाँ जी, है ना जी जी जी। तो ऑर्केस्ट्रा में आप गावत रहे हो? नहीं, मैं अनाउंसमेंट करत रहे। अच्छा, अनाउंसमेंट करत। संगीत बोल बेत मोर दूर दूर तक वास्ता नहीं, समझ है कि अच्छा का है बुरा का है, पर मोला बोल बेत मैं अड़ा हूँ संगीत मामले, अनाउंसमेंट करो मैं कहा हुई कि मैं दुर्गा कॉलेज पढ़त रहे हूँ, युवाणी में आके कंपेयरिंग करत रहे हूँ। अब वो जमाना में ऑर्केस्ट्रा के बहुत दौर रही, दुर्गा पूजा गणेश में ऑर्केस्ट्रा के बहुत कमाल रही, तो नवा नवा ऑर्केस्ट्रा खुली से रायपुर मेलोडी ऑर्केस्ट्रा गर्चा करके खोले रही। तो उमा मैं कॉलेज में ना वाद विवाद में जात रहे हूँ। अच्छा। तो गर्चा भी हमारे सीनियर रहीस, तो वाद विवाद में बोला बोलीस कि यार मैं ऑर्केस्ट्रा खोल रहा हूँ अनाउंसमेंट करने के लिए, तू आएगा क्या? बोला बोले हाँ कि भाई बिल्कुल आऊँ यार। लेकिन तब मैं कहा करे हूँ कि मैं ना हमीद किर्रीला और दो तीन और अनाउंसर रहीस रायपुर संगीत समिति में, और राजन गाँव वाले एक पार्टी रहीस उमा, उमंग के अनाउंसमेंट ला सुने हो तो वो सब अमीन सैनी की स्टाइल में करे। भाई बहनों अब पेशे खिदमत, ऐसे ऐसे कर करके करे, बिल्कुल अमीन सैनी की स्टाइल में। तो मैं बोला बोले भाई मैं वो स्टाइल में नहीं करूँ, मैं अपन स्टाइल में करूँ, लेकिन थोड़ा गहराई लाऊं, हल्का फुल्का सस्ता मजाक बोलने के बजाय थोड़ा गहराई के शेर वैचारिक चीज ला रखूँ, मतलब थोपे वाले काम ऑर्केस्ट्रा में। हाँ, ऑर्केस्ट्रा बरोबर काम करूं, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा अपन तरीके से करूं। तो दूसरे तरीके से करूं तो मैं शेरो शायरी बहुत सारे इकट्ठा कर रहा हूं। अब बड़ा कन शेरो शायरी, फैज अहमद फैज से लेकर के बशीर बद्र तक के शायरी, और शायरी के साथ जब गाना प्रेजेंट करूँ ना तो वो संप्रेषित हो। काबर की दौड़ चला तरी सर अनाउंसर बोले तो अमीन सैनी स्टाइल में बोलेगा ही बोले, पर कौन है यार, अच्छा बोलता है और गाने के मूड का शेर भी बोलता है।
तो वो चीज क्लिक करीस तो मुला 80 रुपये वो मन दे तरीस एक प्रोग्राम के और मैं बढ़िया यहाँ से लेके उड़ीसा तक नागपुर तक वो मन के ऑर्केस्ट्रा में खूब अनाउंसमेंट करे हूँ खूब गए हूँ और दीपक भाई आज आकाशवाणी के सामान्य उद्घोषक है वो भी मोर साथ काम करे है और हमन साथ में रहे दीपक हटवार है ना मार्गदर्शन मिलते हूँ मुला हाँ तो हमन साथ में रहे और वो मोर संग में आकाशवाणी में फिर बाद में आईस मैं उला बोले रहे हूँ कि भाई आ जा वहाँ उम्मीद करता हूँ तो हूँ आ जा भैया बम्बई जाना हुई फिर अभिनय के कारण हाँ। तो फिर रायपुर में इतना सब कुछ छोड़े के बाद में अचानक मुंबई की तरफ रुख कैसे करे हो मैं बताता हूँ आपला कि मैं जब आकाशवाणी में केजुअल रहे हो ना तो जैसे कि बताया हूँ कि समाज ला मैं वहाँ समझे हूँ तो मोरो भर एक प्रतिमान बन गिरीस कि मिर्जा साहब कमल शर्मा या लाल राम कुमार सिंह जैसे मैं हूँ परमानेंट अनाउंसर हो जाऊँ एक ठन मोटरसाइकिल खरीदूं पाछू क्वार्टर मिली वहाँ रहूं और बढ़िया सम्मान के जिंदगी जीऊं 2-3 साल तक कॉलेज पढ़त मोर आदर्श और एम वही रही फिर मेडिकल कॉलेज में ना गैदरिंग हुए ना सालाना उत्सव तो वहाँ मुंबई से कलाकार मनाए कभी शफी नामदार कभी पंकज कपूर कभी के रहना एमन आया चीफ गेस्ट बन के तो मैं वो जब आए ना तो मन के क्रेज ला दिखे भयंकर क्रेज और हमन जब नुक्कड़ नाटक करे निपटा में जाके तो पहली रोड में 15 मिनट तक डबली बजा बजा गाना गान की दर्शक इकट्ठा हुए अपन बात रखन तो हम बोली यार हमन बजा बजा के बलात हन कोई नहीं आते कि 50 तो इकट्ठा हो जाता हमन नाटक शुरू करन और यहाँ में देखे हूँ बड़े बड़े घर के लड़का लड़की मान एकदम टूट पड़े देखे बार ऑटोग्राफ ले बार तो मुला लगी सर आकाशवाणी की अपन सीमा है दुनिया वो बड़ा है बड़े हबे तो मुला लगी से आकाशवाणी में कैद नहीं होना है अब बात है कि वहाँ जाना है तो हीरो या फिल्म में काम तो मैं सचला जानत रहूँ कि भैया मोर करा ऐसे कोई क्वालिटी नहीं कि मैं हीरो बन सकता हूँ लेकिन अपन रोजी रोटी चलाए बर यहाँ के माध्यम से वहाँ के माध्यम में जाके कोशिश कर सकता हूँ बिल्कुल जद का यहाँ उम्मीद करता हूँ उतका वहाँ मुझे मिल जाना चाहिए और बहुत बड़ा क्षेत्र है तो मुला मिली ये कॉन्फिडेंस रहीस तो मैं पहली थिएटर करे बार भोपाल गया हूँ वहाँ बात नहीं बनी दिल्ली गया हूँ दिल्ली में इला अरुण जी अपन नाटक लेके आए रहीस करे बार तो हमन वहाँ दिल्ली में बैठन उठन तो जब बाहर से कोई टीम आते ना उमन कम मनखे मन ला लाते खर्चा ज्यादा होता है बिल्कुल सही बात है और छोटा मोटा रोल बर और सपोर्ट बर वहाँ के लोकल थिएटर वाले मन ला जोड़ते तो ओ मन हमन 4-5 मन के मन ला जोड़ी नुआ तो हमन यहाँ ऐसे थिएटर करे रहन कि हमन ला कॉस्ट्यूम भी खुद करना मेकअप भी खुद करना बाद में पैक करके वापस जिसका लिए देना भी उसको खुद ही है ना तो हमन ला कोई शर्म नहीं तो मैं जी भर के 3 दिन ओमन के नाटक के प्रेजेंटेशन में काम कर रहा हूँ तो ओमन बोलिन कि तुम वहाँ क्या यहाँ क्या करते हो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है यहाँ पे ऐसे ऐसा आया हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं रोजी रोटी भी इस फील्ड से कमाऊँ तो बोले तुम हमारा ग्रुप है वहाँ आ जाओ वहाँ करो तो मैं बोला हाँ वैसे भी यहाँ भी मेरे पास रोजगार नहीं है और मैं आकाशवाणी से कुछ पैसे कमा करके लाया हूँ जिससे मैं 6-8 महीने 1 साल तक सर्वाइव कर सकता हूँ तो वही चीज़ वहाँ कर लूँगा बोले आ जाओ हम देखते हैं वहाँ गए हों तो इत्तेफाक से यही आकाशवाणी की बदौलत मुला सबसे पहली काम मिली अरे वाह क्या बात है बहुत बढ़िया नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड है एक संस्थान है एसोसिएशन है चैरिटेबल एसोसिएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में उमा का है जिन ब्लाइंड मन रही थे जिमन के दृष्टि नहीं है हमन साहित्य ला पढ़थन उमन साहित्य ला सुनथे और ये जो नेप संस्थान है ये संस्थान है उमन बनना साहित्य ला ऑडियो में रिकॉर्ड करके कैसेट भेजते उमन ला विश्व में फ्री में तो प्रेमचंद के गोदान एक दृष्टिहीन आदमी सुने हैं जानते तो वो वहाँ बॉम्बे में रिकॉर्ड होते अच्छा अब चूंकि ये चैरिटेबल काम है तो उमन होकर पैसा नहीं दे पारिश्रमिक नहीं दे पर आपके आए जाए के पैसा देते अब वो आए जाए के पैसा अटका रही कि मोर पारिश्रमिक से कई गुना ज्यादा रही बहुत बढ़िया वाह क्या बात है कि अगर मैं 1 घंटा रिकॉर्डिंग कर लूं तो मुला 150 रुपये मिले तो मैं तो 1-3 घंटा करो आधा किताब खत्म 450 मोर पर तो बल्ले बल्ले हो गए वहां मुला इलारून काम दिलाईस कि भाई आकाशवाणी में काम किया है वो मैंने ऑडिशन ली कि हाँ ठीक है आवाज तो बहुत बढ़िया है
एकर से काम ले जा सकते हैं और थिएटर करे बोला नरेट कर सकते हैं और किताब के थोड़ा मोला सेंस रीस वहाँ देखे काय का रिकॉर्ड हुए। मैं बोले बात बहुत अच्छा अच्छा किताब तो अभी नहीं हुए है यहाँ काबर की मैं हिंदी भाषी रहा हूँ वहाँ अंग्रेजी मराठी वाले मन ज्यादा रही तो मैं अच्छा अच्छा किताब ले लेगा तो मोला ज्यादा बुकिंग मिले। तो आकाशवाणी बदौलत ही मोर पहली रोजी रोटी शुरू हुई। इस महीना में 2200 रुपये में कमाओ और मोर खर्चा रीस 1100 रुपया। अच्छा आधा पैसा बचा लेते रहो। तो मोला लगी यही बार तो आया है और का चाहिए मोला। और बाकी टाइम फिर अपन थिएटर करो और थिएटर में कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर मन आए दूसरे डायरेक्टर मन आए तो वहाँ से रोल रोल मिलने की शुरुआत हो। अच्छा फिर फिल्म में काम शुरू हो गया आपके। हाँ फिर फिल्म में काम शुरू हुई। मैं पृथ्वी थिएटर में इलाजी के साथ थिएटर कराते रहे हूँ। हमारे ग्रुप में एक दो असिस्टेंट डायरेक्टर मन रही ओमन भी देखिन कि यार कहाँ से आया लड़का करता है काम जूझ के करता है पेटी भी उठा लेता कोई नखरा नहीं है इसमें। तो अंदाज अपना अपना में मुला लेगिन कि एक रोल है संजय तुम कर दो कर दे। फिर वो राजकुमार संतोषी के साथ में उठना बैठना हो गया तब मैं वो असिस्ट भी करना शुरू कर दूँ खाली बैठे हूँ क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। तब फिर कुछ दिन बाद शूटिंग चला चला एक ठना वो रोल आई अरे संजय की दाढ़ी बढ़ गई इसी करवा दो दूसरा रोल। अच्छा मैं दो रोल कर पॉजिटिव हो गए। हाँ पहले एक रोल करे रहे हूँ माँ लंदन की अप्सरा भारत में पेपर पढ़े थे आमिर खान वो पेपर ला छीन लेते अरे तेरे काम करिए मेरे काम कर तब मेशा रीस। कुछ दिन बाद दिन रात वहाँ लगे रहे हूँ तो एकदम रफ टफ हो गए चेहरा तब बाबूलाल के करेक्टर आईस नाई के तो बोले संजय का अच्छा वो संजय करवा लो। तो मैं दो करेक्टर करे हूँ अंदाज अपना। अच्छा तो वहाँ शुरुआत हुई। कितने पिक्चर अभी तक कर चुके हो आप। मैं भाई 9 से 10 फिल्म तो करे हूँ। फिर मुझे लगी इसका छोटा छोटा रोल करने के बजाय कुछ दिन वेट कर लो ना तब मैं थोड़ा रोके हूँ। और इत्तेफाक से फिर सीरियल में मुझे ऐसे मौका मिली कि मैं वहाँ रम गया वहाँ मुझे पसंद के किरदार मिलना शुरू हो गए तो वहाँ से थोड़ा विमुख हुए हूँ। फिर चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं पाछू हूँ वहाँ के हिसाब से तब बोले ये कॉन्फिडेंस रहते कि मोर खुशकिस्मती कि मोर पेशा में ना उम्र की कोई सीमा नहीं है। सही बात है। तो मैं पहली वहाँ अपन आप ऐसे इस्टेब्लिश कर लूँ कि अगर 6 महीना मुझे फिल्म में काम नहीं मिले तो मैं विचलित नहीं हूँ। मोर घर में ब्रेड बटर रहा है दाल भात खा सकूँ छत रहा है कपड़ा रहा है तो मोर क्रिएटिविटी जिंदा रही। अदरवाइज विचलित होकर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँ काबर की देखता हूँ वहाँ। सही बात है। बहुत बहुत स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल। तब मैं वो टीवी से ना अपन बुनियाद ला मजबूत कर दे हूँ। तो अभी लगातार अभी सीरियल के दौर चलत भी है आपके। हाँ अभी वो शो चला था ये उन दिनों की बात है बहुत पॉपुलर एकर पहली पेशवा बाजीराव इस प्यार को क्या नाम दूं छोटी बहू बीच में मैं सावधान इंडिया भी देखा रहे हूं, आप मतलब सावधान इंडिया के ना जब शुरू शुरू में एपिसोड बने रहे इसने तब पहला एपिसोड करे रहे वो रिपीट बहुत होते वो घर बात फिर ओला नहीं करे। बाकी जो रेगुलर शोज हैं वो करता हूँ बालाजी के भी काफी सारे शो करे हैं और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा बनना शुरू। तब बोले मैं देखा था कि बंबई में कतको काम हुई भैया पास जब छत्तीसगढ़ी फिल्म के बात आते अपन छत्तीसगढ़ महतारी के बात आते अपन कला संस्कृति साहित्य के बात आते संजय बत्रा जी हर रम जथे आके ओकर बाद में छत्तीसगढ़ी पिक्चर में आप बहुत अपन छत्तीसगढ़ी पिक्चर करे हो ऐतिहासिक पिक्चर करे हो वो छत्तीसगढ़ी फिल्म के दौर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा का दौर शुरू हुई ना तो मुझे लगी यार मोर बदकिस्मती में तो वहाँ चल गया इंडस्ट्री खड़ा हो गया। लेकिन कुछ सुधीजन और रचनात्मक मन के नज़र मोर ऊपर रही ये मोर खासियत नहीं ये ओमन के बड़प्पन है साइमन जी की नज़र रही मोर प्रेम साइमन जी प्रेम साइमन जी के। तो प्रेम साइमन जी में वो जमाना में एक सीरियल आती जी टीवी में उम्मीद जेमा मैं राजस्थान के रोल कर रहे हूँ रामोड़ा जिन अपन बहन भर जात बिरादरी के नाम से लड़ते थे एक देसी आदमी गरीब आदमी छोटे जात के। तो ओकर माया दे दे माया ले ले के डबिंग करे बर प्रेम भाई वहाँ आए रहे मुंबई तो वहाँ जो विलेन के आवाज़ है मोरे छावा जी मैं डब कर रहे हूँ। तो साइमन जी ला बताई कि हमारे यहाँ संजय ऐसे ऐसे ये जो सीरियल आते ला देख ये हमारे कलाकार है तो वो मोर सीरियल ला देखीस तो बोली से यार मैं एक बार कहानी लिखा था। प्रेम साइमन है परदेशिक माया कहानी परदेशिक माया लिखीस और प्रेम भाई बोले करना है मैं दिल के बात बताता हूँ मैं घबरा गए रहे हूँ मोर पर्सनालिटी मोर शक्ल सूरत ऐसी नहीं है कि मैं 2.5 घंटा दर्शक मनला सिनेमा में बांध के रखा वो दर्शक ला जिन 40 रुपए 30 रुपए खर्च करके आए मोर ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रही मोला। लेकिन साइमन जी ला मोला बोले मतलब कर मेरे ऊपर भरोसा कर कर प्रेम भाई बोले कर कुछ नहीं हुए। फिर मैं बोले कि थोड़ा बहुत मोर सजेशन भी आप मान ला सुनेल पड़े काबर की मैं सिनेमा की सच्चाई ला जाना था। हाँ बिल्कुल भैया आप मन भावनाओं में विश्वास करत हो मैं आपके सम्मान करता हूँ पर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिला देखता हूँ ओला आप मन भी सुनो
जैसे गाना रखे हो ये फिल्म में, मोर ऊपर गाना पिक्चराइज मत करो, नहीं लगे अच्छा, है ना, जिन चीज आपके ऊपर अच्छा लगते मोर ऊपर भी अच्छा लगे कोई जरूरी नहीं, तो मैं गाना मत रखो। और दूसरा, ये बहुत कलात्मक कहानी है, इला थोड़ा सा व्यावसायिक पुट देर लगी, तो बोले कैसे करूँ मैं, बोला मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो उमन मोर मान रखीन, सुझाव मानिन, और फिर वो तरीके से जब करिन तो उमन के रचना गहराई और मोर थोड़ा बहुत अनुभव मिल के वो प्रोडक्ट आईस, तब मोला विश्वास भी नहीं हुआ इसके ऐसे रिजल्ट आई, और जो रिजल्ट दे है ओकर क्रेडिट में दर्शक मन ना दे हूँ, मोला एक्सेप्ट करिन। अभी भी वर्तमान में अभी जिन काम से आप आए हो, जिन फिल्म के काम से आए हो, ओकर बारे में थोड़ा से चर्चा करते हैं। अभी देखो मैं हमला कहानी में बात नहीं करना है, बस वो जो अभी एक नवा प्रोजेक्ट भी आप प्रेमचंद नागर जी के करत हो। जी जी, एक्चुअली मैं आप लोग बताऊं कि यहाँ मैंने गिन के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मोर यहाँ संख्या नहीं है ज्यादा, काबर की मैं थिएटर से हूँ, मोर का एक एडवांटेज रहीस, थिएटर में आप वही नाटक करते हो जिला मंडली पसंद करते हैं, आप पसंद करते हो, कोई जबरदस्ती नहीं करे कि आपको हर साल इतना नाटक और ये करना ही है, जेन स्क्रिप्ट आप लोग पसंद आते वही ला आप करते हो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पर मैं ऐसे दरिया में चल दे हूँ कि मैं रोजी रोटी पर विचारधारा नहीं देखूँ, जो भी काम बोला मिली बिल्कुल मैं सर्वाइव भी करना रहते ना भाई, वहाँ मोर विचारधारा घर में रख के जाता हूँ, पर जब यहाँ काम आते ना तो मोर जो विजन है, मोर विचारधारा जो उसूल है, वैसे किरदार ला ढूंढता हूँ, तो जेन कहानी मोला वो मिले ओला में करता हूँ, तो परदेशिक माया कारी और माया दे मयारू, तीन इंच फिल्म गिन के करे रहा हूँ। अभी एक ठन प्रेम भाई है लोरिक चंदा के ऊपर, लोरिक चंदा बना हुआ थे बिल्कुल, अब लोरिक चंदा के ऊपर काम कर रहे हैं तो मोर पर बहुत खुशी की बात है कि श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू कहानी दुनिया जानते हैं, पर हमारे यहाँ अक्का बढ़िया सुंदर प्रेम गाथा है जेकर दायरा सिर्फ हमारे यहाँ है और नवा जनरेशन तक घलो नहीं जाने, ये विसंगति है हमारा बिल्कुल, तो ओमन पहल करे है वो हमारे पारंपरिक चंदनी गाथा ला, लोरिक चंदा गाथा ला फिल्म में कन्वर्ट करेगी, तो पहली तो अगर हिम्मत के दाद दूँ, काबर की सिनेमा कॉमर्शियल है, पैकेजिंग है बिल्कुल, हाथ का फाइट होना चाहिए, हाथ का गाना होना चाहिए, ऐसे क्लाइमेक्स होना चाहिए, ऐसा विलेन होना चाहिए, तभी सिनेमा बनता है ना, बनाने वाला भी तभी बनाते, सही बात सही बात। इवन वो प्रेम गाथा ला बनाया तो मोर ख्वाहिश है कि ये प्रेम गाथा हमारे छत्तीसगढ़ के सीमा तोड़ ताड़ के बाहर तक पहुँचे, मन के मन ला पता लगे कि वहाँ आला उदल है, हीर रांझा है, तो यहाँ भी लोरिक चंदा है, बिल्कुल, तो ये प्रयास ले लेके मन काम करें। और मोर खुशकिस्मती है कि ममता दीदी और प्रेम भाई सिद्धा मोना बोलिन कि जब से ये रोल ला, कई साल से मन सोच के रखें कि जब भी ये फिल्म बनी तो ये रोल ला संजय करे। चलो चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है भैया। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जी जिन अभी कलाकार मन आवा थे, बहुत प्रतिभाशाली कलाकार आवा थे, तो ओकर मन पर कौन टाइप के हमला आपला, मतलब कौन तरह से निर्माता निर्देशक मन से अपेक्षा है, क्या चाहता हूँ आप मन की कलाकार, मतलब मैं आप समझ गए हो कि मैं पारिश्रमिक स्तर में बात कर रहा हूँ। देखो ये मामला में ना एक नैतिक दायित्व होना बहुत जरूरी, जिला हम हिंदी में कहते हैं ना आत्मबोध, हाँ हाँ ठीक है, एक व्यवसायी आदमी करा ये नैतिकता नहीं हुआ, पर जब रचनात्मक आदमी की बात होते तो उमा सबसे पहले उमा नैतिकता होना बहुत जरूरी है बिल्कुल, और रचनात्मक आदमी भी व्यवसायिक होते पर वो अगर नैतिकता नहीं है तो वो चीज पैदा नहीं हुई जिला मैं आप बोलन जाता हूँ, बोले पर जाता हूँ, सही बात है कि अपन फायदा के साथ साथ दूसरा के अधिकार पर भी हमला सोचना है, मैं अपन अधिकार पर सोचता हूँ पर जेन दिन में अपन फर्ज ला पूरा करना शुरू करूँ ना आप मुला खुद ब खुद मोर अधिकार दे दो, हमन अधिकार बन लड़ा था फर्ज ला भुला गए हैं, दोनों ढार ले कलाकार मन के भी फर्ज ला उमन ला पूरा करेल पड़ी और बनैया मन ला भी अपन फर्ज पूरा करेल पड़ी, तो वो जो बीच के खाई है ना उला पाटना बहुत जरूरी है, नहीं पाटबो तो खंड खंड रिबो, और जब खंड खंड रिबो तो इंडस्ट्री के वो दशा हुई जिला हमन झेला था, काबर की कविता लिखने वाला आदमी घर में अकेला कागज में लिख दी, पेंटिंग करने वाला और ने दतुनला उठा के भी पेंटिंग बना दी बिल्कुल,
म्यूजिक बनाने वाला भी घर में बैठ के बना दे, लेकिन सिनेमा जो है ना वो समूह के विधा है। जब तक सब जन मिलके नहीं करवो तब तक सिनेमा नहीं बन सके। सही बात। और सबके उतका ही योगदान होते जब का स्क्रीन में दिखने वाला हीरो के योगदान होते। तो ये जो बीच के खाई है ओला पाट करके सामुदायिकता की भावना से हमन काम करन तो यहाँ अतका टैलेंट है। अभी देखो ना कतका सुंदर सुंदर फिल्म बनाते, कोई काम पर कोई बम्बई नहीं जाना पड़े, सारा कुछ यहीं हुआ थे। पहली शब्द लिखना से लेके आखिरी प्रिंट निकलने तक रायपुर में हुआ थे। बिल्कुल हुआ थे, सही बात है। बीजीएम हुआ थे, इफेक्ट हुआ थे, मिक्सिंग हुआ थे, का नहीं होते, डीआई हुआ थे। जहां तक हमारा सूट वर बाहर भी जाए जरूरत नहीं, इतना समृद्ध हमारे लोकेशन है यहाँ के। वो मन कर रहे थे जेमन कोई इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग नहीं ली है, जेमन को कोई गॉड फादर नहीं है, जेमन मुंबई जाके सीख के नहीं आए, अपन पैदा हुए है तो ये कर रहे थे। अब इमन ला कोई ट्रेनिंग मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए और दिशा मिल जाए तो सोचो इमन कहाँ से कहाँ जाए। तब अपार संभावना है, अपार संभावना है। दिशा और दशा थोड़ा सा ठीक करेल पढ़ी तब कोई मुश्किल नहीं। जैसे उड़ीसा के फिल्म अवार्ड भर जाते, बंगाल के फिल्म अवार्ड भर जाते, हमारे यहाँ बैकग्राउंड कल संस्कृति करेक्टर और साहित्य अतका समृद्ध है कि हमारे फिल्म वहाँ जाए। पर सिनेमा की भाषा के मामले में हमन थोड़ा सा कमजोर हन, काबर की नवा जनरेशन है वो जो चीज़ अट्रैक्ट करते वहाँ घुस जाते पर गहराई की तरफ नहीं जाए। इला मैं कैसे मिसाल दे सकता हूँ बताऊँ कि जो समझदार सिंगर है सबसे पहले वो शास्त्रीय संगीत ला सीखे। बिल्कुल बेसिक है ना, आधार आधार है वो। हाँ। सासुर के आधार तो वही है, फिर भले वो रॉप गाए जब गाए कुछ भी गाए लेकिन वो लग सेंस रही तो शास्त्रीय संगीत पहले सीखी। तो इसने सिनेमा के लैंग्वेज में कोई जाए कोशिश नहीं कर रहे थे, जिन जहाँ जिपिंग दिखा थे वहीं सीखा थे। पर सीखे के पावर भी कमाल है, आउटपुट देवा थे उमन, पर बुनियाद जो है ना वो थोड़ा सा गहरा नहीं है, तो दिशा हर बार भटक जाते। हमर संगवारी मल्ला, हमर जय जोहार के संगवारी मल्ला, हमर आकाशवाणी के संगवारी मन जिन हमर प्रोग्राम ला देखा थे देखी वो मल्ला का के हुआ। जय जोहार के संगवारी मल्ला और आकाशवाणी के संगवारी मल्ला, मैं का बोलूँ, मैं तो भाई आप मन के मया के आगू एकदम अदना हो और आभारी हूँ। ये आप मन के बड़प्पन है कि आप अतका मया देते हो और मानते हो, तो मैं तो आपके आगे नतमस्तक हूँ। बस आपके आशीर्वाद चाहूँ और दुआ चाहूँ कि आगे चल के और अच्छा काम करूँ, आप मन की अपेक्षा के ऊपर खरा उतराऊँ। और आप मन से मैं यही कहना चाहूँ कि देखो हर चीज़ में ऊंच नीच होते, कम ज़्यादा होते। अब मिसाल के तौर में हमन देखो ना तो भैंस के दूध में 1 किलो दूध ले खोआ निकालो ना तो एक दिन 250 ग्राम निकलते, वही भैंस के 1 किलो दूध में दूसरे दिन 200 ग्राम निकलते। सही, वही भैंस है, वही दूध है, वही खोवा है। तो ये कुदरत है, नेचर है, इला बोलते कच्चा काम है। तो कच्चा काम में कोई सूत्र या मेथड लागू नहीं हुए, कभी अच्छा भी होते कभी बुरा भी होते, 19 भी होते 21 भी होते। तो हमें अप्रिशिएट करना है वहाँ, कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज बुरा भी बन गया तो ठीक है ना, उखड़ ले भी तो सीखे बार मिलीस ना, लेकिन दुत्कार नहीं देना है, सपोर्ट करना है, स्वीकार सपोर्ट करना है। और जब सपोर्ट करबो तो प्रोत्साहित हुई बनाइया मन, प्रोत्साहित हुई हिम्मत करी और अच्छा काम करी, तो कोई दो मत नहीं कि जो कमी है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन हम उपेक्षित कर देबो ना तो हीन भावना आ जाए, हीन भावना आ जाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन हुई, समाज भर भी अच्छा नहीं, काबर की कलाकार भी समाज के हिस्सा है। बिल्कुल भैया सही बात, मन देख के मन के मन सीखते क्या ये कलाकार है, क्या जीवन है इनका, कैसे रहते हैं, कितना सम्मान है इनका। वही अगर उपेक्षित हो के हीन भावना में आ जाए और ग्राफ नीचे चल दी तो उला देख के कोई का सीखे। अपन घर के मनखे मन ला रोकी कि दिशा मत जाना, ये लाइन में मत जाना, तो ऐसे होते कलाकार की जिंदगी। ते पाए कि मैं बोलता हूँ कि आप मन निवेदन करता हूँ कि अगर अच्छा है स्वीकारो, बुरा भी है तो बोल दो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। होते ना लड़का चले पर कोशिश करते गिर जाते फिर बोलते ना दोबारा कोशिश कर, वैसे बढ़ावा दो। काबर कि अभी तो कुछ सीखे बिना ट्रेनिंग के अतका कर ले, अगर ट्रेनिंग हुई तो अतका कर ले वो, ठीक है। तो मैं मंदराजी फिल्म में एक ठन डायलॉग है जिन बोला बहुत दिल को छूते, स्वागत है बोलो उमा। मतलब सोचो एक इंसान के जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच के
और आखिर में मैं वहाँ की थो कि दाऊ जी सही कहा है, आदमी जन्म लेते बाहर गाना गाते गाते तो फिर मैं देखे रहा हूं दाऊ जी मरे के बाद भी गाना गाते रहे तो अपन संग मर्देवाल मल्ला खलो गवात रहे। तो ये कलाकार की जिंदगी है, ऐसे कलाकार मन के सम्मान करो, प्रोत्साहित करो। संगवारी हो, हमार जोहार पहुना कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कलाकार, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी संजय बत्रा जी हमार बीच ऐस। बहुत सुघर गोड बात करी, सरलगा गोड बात करी। भैया आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो, हमार जोहार पहुना कार्यक्रम में आज अतक बढ़िया गोड बात हुई, आगू औ हमार पहुना मनसन गोड बात हुई, आज अतके छे देव अभिदा। आप जम्मो संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। मोरो जय जोहार, और मैं आभारी हूँ चंपेश्वर भाई के, ओकर बड़प्पन है जो मुलाई स्थान प्रदान करी सवत का सर मोर संग कोट करी। आप मल्ला भी धन्यवाद, जय जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर MIT इंटरनेशनल स्कूल नया रायपुर प्रस्तुत करते हैं NH वॉकथन 2019, दिनांक 28 सितंबर 2019 दिन शनिवार, स्थान आनंद नगर स्क्वायर मरीन ड्राइव के पास तेली बांधा रायपुर।